आजादी के साथ बदलते भारत की शान। मैंने तुझे बोला था ना, एक बार में बात दिमाग में घुसती नहीं है क्या? ये सब उठपटांग हरकतें करना बंद कर। इतने सारे काम है और ये सब कौन करेगा? समझ में नहीं आती है तुझे? तुझे तो मैं आज सबक सिखा के रहूंगी। बहुत शौक है ना तुझे तस्वीर बनाने के लिए? ये बना रही थी ना? अब देख मैं इसका क्या करती हूँ। भैया, क्या हुआ? मेरे लिए एक पेंसिल और खाता लाओगी क्या? क्यों चाहिए? ओह, इसे पढ़ना है। लड़की हो के पढ़ाई करेगी? नहीं नहीं, चित्र बनाने के लिए। आज काम मिले तो जरूर लाऊंगा। ठीक है। किसी भी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है लड़की। मुझे मत मारो अम्मा। बंद कर अपनी अनादर। तुमने मुझे बहुत जलाया है, बहुत परेशान किया है। अब जा अपने बाप के साथ। चल चल, अभी का भी चल, बहुत नाटक हो गया तेरा। बेटा तू जा, तू अम्मी के पास आजा। बेटा चल चल, परेशान कर दिया मुझे। चल अभी का भी। इतने सारे काम है और अब तक खत्म नहीं हुआ, ये सब कौन करेगा? तेरी माँ की करेगी। जल्दी कर। ये इतनी छोटी दुबली पतली लड़की क्या काम करेगी? नहीं मले, ये सब काम आता है। अब जो कुछ बोलेंगे सब कुछ कर देंगे। ए रोशनी, तू यहाँ अच्छा से रहना है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुझे अच्छा से खाना देंगे, अच्छा कपड़ा भी देंगे, ठीक है ना बेटी? अगर घर लौट जाती है तो तेरी अम्मी कितनी दुखी होगी, मालूम है ना तुझे? समझ रहे ना तू? हाँ मेरी अच्छी बेटिया। हाँ मालिक, थोड़ा हंस मिल जाता तो। ये लड़की, तू भीतर जा, वो पीछे के दरवाजे से जा, जा। बहुत ही प्यारी लड़की है। मैं तेरे बाप के साथ हिसाब किताब करके आ रहा हूँ। अम्मा। रोशनी, तू इतनी दूर अकेले अकेले कैसे आ गई? अम्मा, मैं जैसे तैसे भाग कर आई। मैं बहुत मुश्किल में हूँ अम्मा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या करोगी बेटी, तेरे अब्बा ने तो मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। किसी तरह दो तीन घरों में काम करके मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। अब तुझे मैं कैसे रखूंगी, कैसे पालूंगी? अम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। मुझे भी अपने साथ रहने दो अम्मा। रोशनी। हाँ दीदी, आ रही हूँ। रोशनी दीदी,
देखो तो माँ ने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या है ये? किसका है? तेरा ही है। मेरा? इतना बड़ा तोहफा, क्या है इसमें? याद है 2-3 दिन खाना नहीं खा के मुंह फुला के जो बैठी थी, क्या चाहिए था? कुछ याद आया? मतलब देखो। इसको ऐसे उठाओ, खोलो, ठीक है, यहाँ से खोल। रिंकू बाबा के लिए एक अच्छा सा कुर्ता पजामा बनाऊंगी। अच्छा, रिंकू बाबा के लिए कुर्ता पजामा? हाँ, चलो ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक कप चाय और मिठाई भी चलेगा। बिल्कुल सही कहा प्रकाश। साहब, मेरे माँ बाप को छोड़ यहाँ आए 7 साल हो चुके हैं। 6 महीने या साल भर में जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी, उन्हें मेरी याद आती थी। आप लोगों का दिया सारा पैसा वो लोग छीन के ले गए। उन पैसों को अभी बैंक में रखने से शायद 1 लाख तो हो ही जाता, पर मुझे कोई दुख नहीं है साहब। लड़की हूँ इसीलिए माँ बाप सोचते हैं कि किसी काम की नहीं, पढ़ने लिखने भी नहीं दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। पर अल्लाह ने आज मुझे सब कुछ ब्याज के साथ लौटा दिया। पर आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, रिंकू जैसा भाई, आश्रय मुझे अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, मुझे नई जिंदगी दी। अरुण डूटी, 7 साल पहले हमारी घर आई और ननी सी रोशनी आज इतनी बड़ी हो गई है क्या? तू आगे बढ़ और तरक्की कर, भगवान तेरे साथ जरूर न्याय करेगा और हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा रहेगा ही। अच्छा रोशनी, पहले ये बता मेरे लिए क्या क्या बनाएगी? वैसे दीदी, मैं कटिंग और सिलाई की क्लास में नाम भर्ती कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कुछ नया सीखना हमेशा अच्छा ही होता है। टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए। कारीगरी सीख लेगी तो कोई फिक्र की बात ही नहीं। तुम आज एक काम करना, वो सिलाई वाली दीदी जो है ना, उससे मिलके आना। मैंने बात करके ही रखी है। अच्छा? हाँ, एडमिशन 500 रुपए और मासिक 300। साल भर का कोर्स है, वो लोग सर्टिफिकेट भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आज ही तुझे एडमिशन दिला देती हूँ। ठीक है फिर, अब मैं चाय और मिठाई का इंतजाम करती हूँ। बहुत भूख लगी है। अरुंधति, मेरा लैपटॉप लेके आना जरा। हाँ, जरूर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हम लोग अपना जो यूजल एक्टिविटीज है वो करते रहेंगे। उसके अलावा हम लोग बड़े कुछ करेंगे, इसके लिए हमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। बिल्कुल,
आप लोगों का एनजीओ कुछ दिनों से कुछ अच्छे काम कर रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो हम भी चाहेंगे कि विजन अपराजिता के साथ हम भी जुड़े, क्यों? बिल्कुल, हमारे CSR का जो बजट होता है जी, उससे अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कंपनी का इमेज भी अच्छा होगा। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है एक ओल्ड एज एंड डेस्टिट्यूट होम शुरू करना, और उसके लिए हम लोग का एक पेट्रोन ने 3 कमरा का एक बड़ा घर यूटिलाइज करने के लिए दिया है। हाँ, लेकिन इसके लिए वो कोई किराया चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा जो सामान है उसके लिए आप लोगों से सहायता चाहिए। मैंने और परवेज ने वो घर देखा है, एक ही कमरे में कम से कम 12 के आसपास बिस्तर लगा सकते हैं, और इसी हिसाब से हम लोग 36 बेडेड शेल्टर होम शुरू कर सकते हैं। किचन भी काफी बड़ा है, उसी में रसोई के साथ साथ केयरटेकर का रहने का इंतजाम भी हो जाएगा, और एक स्टोर रूम भी है, उसे भी हम देखकर अच्छा से इस्तेमाल कर सकता है। और मंथली एक्सपेंस का एक बजट बना के मैं आप लोग को मेल करता हूँ। अरुंधति और मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन थोड़ा सा करके रखा है, बाकी दिगंत हम सब लोग बैठ के बजट बना लेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट अवेयरनेस और कैंपेन का जो भी बजट होगा वो तुम देख लेना। हाँ हाँ हाँ, जरूर। और आप लोग के पास भी कोई आइडियाज और सजेशंस हो तो मुझे जल्दी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इन सब को कंपाइल करके एक PPT में आप लोग को मेल कर दूंगा। ओके, दैट्स फाइन। तो हम लोग चलें? आई थिंक बाय वेडनेसडे आप लोग हमें मेल कर दोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, यू विल डेफिनेटली गेट इट बाय वेडनेसडे। ओके, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ, यस। चलो, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। इतना बड़ा कंपनी हमारे साथ CSR एक्टिविटीज करने के लिए आ रहा है, ये तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल होगा, है कि नहीं? तुम ठीक कह रहे हो, इसके बाद हम और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने को साहस कर सकेंगे। और एक अच्छी खबर, इंटरनेशनल फंडिंग भी लगभग हो गया है, उसे मैं फॉलो अप कर रहा हूं। और हमारे यहाँ से पिछले 5 सालों में जो जो लड़की पढ़ के गई है सभी करीब करीब जॉब में हो गई या स्वावलंबी हो गई है। बाय द वे बर्नाली, तुम लोगों ने रोशनी को कुछ सिलने का ऑर्डर दिया है क्या? हाँ, मैंने अपने लिए एक ब्लाउज और डिजाइनर सलवार कमीज बनाया है। दूसरे को पैसा देने से अच्छा है उसी को ही मिले। हाँ, लेकिन और एक बात माननी पड़ेगी, अच्छे डिजाइनर से भी रोशनी का काम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इतना बढ़िया फिनिशिंग है जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी का हो। तो फिर हम अपना वो टेलरिंग वाला प्रोजेक्ट उसके बारे में भी सोच सकते हैं। एग्जैक्टली, मेरे मन में ये बात था, इसीलिए मैंने बर्नाली का फीडबैक लिया। अच्छा दिगंत, तुम ये टेलरिंग वाला प्रोजेक्ट का आउटलाइन तैयार करो। श्योर, मैं रोशनी के साथ बात डिस्कस करती हूँ। होगा? हाँ, अच्छा है। ठीक है। क्या है रोशनी? दीदी ने देखिए तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे वाह, तू तो फैशन डिजाइनर की तरह डिजाइन करने लगी है, कहाँ से सीखा ये सब? इंटरनेट में इसे देख देख के सीखा है दीदी, दिगन भैया ने मुझे सिखाया है कि नेट पे चीजों को कैसे देखा जाता है। अच्छा, और हमारे कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में भी ये सब सिखाया गया है। हम सभी ने कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पाई है। वैसे दीदी, हमारे साथ जो एक पूर्वी नाम की लड़की थी ना? हाँ, पूर्वी। हाँ, वो बिचारी जिसका हाथ एक्सीडेंट में इंजर हो गया था ना? हाँ हाँ, वही। उसकी तो नौकरी लग गई ना? वही तो दीदी, उसे एक कंपनी में डाटा एंट्री की नौकरी मिल गई है। हाथ दुर्बल होने से क्या होता है, उसका मन तो बहुत सबल है। मन तो तेरा भी बहुत मजबूत है, इसलिए तू इतना कुछ कर पा रही है, और समय के साथ तेरे लिए मेरे सपने बढ़ते ही जा रहे हैं। तुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत नाम कमाना है, लोगों को पता चलना चाहिए लड़की होके जन्म लेना कोई पाप नहीं है, बल्कि परिवार के लिए लक्ष्मी का वरदान है। मुझे
चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े दीदी, आप सभी के आशीर्वाद से मैं अपने सपने को जरूर पूरी करूंगी। तुझे सफलता का एक जीता जागता उदाहरण बनना पड़ेगा। तेरी जैसी कई लड़कियों को रास्ता दिखाना है, हौसला बढ़ाना है। कुछ माँ बाप को ये महसूस होना पड़ेगा कि लड़कियों को सही शिक्षा दी जाए तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं सुरक्षा कर पाएगी बल्कि समाज की गठन भी कर पाएगी। तुम्हें उन सभी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा रोशनी। लड़कियों को शिक्षा, सुरक्षा और सहारा देने का आंदोलन में तुम्हें एक योद्धा की तरह उभरना पड़ेगा। तुम्हें इस युद्ध में जीतना ही पड़ेगा रोशनी, जीतना ही पड़ेगा। मैं जरूर जीतूंगी दीदी, जरूर जीतूंगी। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लीजिए दीदी। थैंक यू दीदी। पिछले महीने सिलाई करके ना मुझे कुल मिला के 6,300 रुपए मिले हैं। मैं सोच रही थी कि इन पैसों से एक अच्छे कैमरा वाला मोबाइल फोन खरीद लूं। अरे बहुत बढ़िया, किस किसने ऑर्डर दिया? वो हमारी पास वाली फुकन दीदी, फिर परी दीदी, वो सामने वाली नानी और भी बहुत सारी पहचान वालों ने ऑर्डर दिया था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इतने पैसों में तो तुम्हें बहुत अच्छा फोन मिल जाएगा। अच्छा एक काम करना, तुम कल ऑफिस जाके दिगंत से कहना फोन ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। हाँ, ठीक है? और तुम भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग सीख लेना, आजकल सारा और सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है? हाँ। तो तुमको भी ये सारा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी, मैं कल ही रिगन भैया को कह के एक अच्छा वाला फोन ऑर्डर कर दूंगी, वो भी ऑनलाइन। वेरी गुड। रोशनी, तुम इनमें से कोई भी मोबाइल सिलेक्ट कर लो जो तुमको पसंद आए। हाँ, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला? हाँ। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद तुमको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है बाय नाउ, हाँ, इसको तुम क्लिक कर दो।
तो अभी सब समझ में आ गया होगा तुमको? हाँ हाँ ठीक है। वैसे दिगंत भैया, मैं जो कपड़े सिलाती हूँ क्या मैं उसे ऑनलाइन बेच सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, तुम्हारे बनाए हुए कपड़े तुम आराम से ऑनलाइन बेच सकते हो। ये देखो मशीन आ गया, मशीन आ गया। वाह बढ़िया बढ़िया। हमारे टेलरिंग स्कूल में रोशनी टीचर बनेगी। एक काम करते हैं, पहले शुरुआत में 3 महीने का कोर्स करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं डिसाइड कर लेंगे। ये बढ़िया रहेगा। और एक काम करेंगे, ये टेलरिंग के कोर्स के बारे में हम पोस्टर्स और बैनर्स लगवा देंगे। हाँ, और साथ में ये भी देंगे कि हमारे यहाँ सिलाई का ऑर्डर लिया जाता है। हमारे इस इलाके में एक भी दर्जी का दुकान नहीं है। रोशनी को खूब सारे ऑर्डर भी मिलेंगे। एकदम राइट, पोस्टर और बैनर की जिम्मेदारी हम दोनों का। That's it. हमारे टेलरिंग क्लासेस का डिमांड अच्छा खासा आ रहा है, रोशनी को भी काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 3 महीने में हम लोग का 3 बैचेस निकलने वाला है। वाओ, और कुछ लड़कियों को रोशनी ने अपने तरह ही काबिल बना दिया है, और ज्यादा ऑर्डर होने से वो लोग आपस में बात लेती हैं और रोशनी का भी हाथ बटाती है। अच्छा, शी इज रियली आवर बेस्ट सक्सेस स्टोरी, सफलता का एक जीता जागता उदाहरण, रियली एक उभरता हुआ सितारा, है ना? हाँ। उसने अपने फोन का ऑर्डर करते समय मुझे एक बात पूछा था। क्या पूछा था दिगंत? यही कि उसके द्वारा डिजाइन किए हुए कपड़े हम लोग ऑनलाइन बेच सकते हैं क्या? ओके, दैट मींस प्रोजेक्ट रोशनी क्रिएशंस .com। समझ गया, तब तो मैं वेबसाइट और प्रोजेक्ट बनाने में लग जाता हूँ, और आप लोग लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, 1 जनवरी लॉन्चिंग, www.roshnicreations.com। वाह, कोई भी बादल कितना भी घना क्यों ना हो, इतना भी घना नहीं हो सकता कि वो रोशनी को हमेशा के लिए रोक सके। रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, उसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। हमारे समाज की हर एक बच्ची में रोशनी छिपी है, तो आइए उन्हें शिक्षा दें, उन्हें सबल बनाएं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं।